नमस्कार, गुड इवनिंग। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो सभी लोग कैसे हो? फटाफट लाइव आ जाओ भाई, दोस्तों को भी बता दो क्लास स्टार्ट हो गई आपकी, और सभी को बता दीजिए क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पर और हम लोग रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं अब। और कैसे हो आप लोग? जरा हाय हेलो कर लो भाई। गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हो आप लोग? सभी लोग अच्छे हो? राजेश सर नमस्कार, सर अर्चिता गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? देखो कल हमने जो है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर किया था, जो 2021 में हुआ था, सिमिलर था, मेमोरी बेस्ड था। स्वागता गुड इवनिंग, नंदनी वेलकम है आपका, गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आई होप आप लोग भी अब अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी होगी, जो लास्ट ईयर जो है वो निकल गया है, अब नए जोन में आ जाओ। ठीक है, एसबीआई का पेपर जो है अप्रैल में नोटिफिकेशन और वैकेंसी आ जाएगी, एसबीआई क्लर्क, फिर उसका एग्जाम होगा, फिर एसबीआई पीओ, आईबीपीएस, आरआरबी, बहुत सारी वैकेंसी है। मृण्मय वेलकम है, पूनम अली वेलकम है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूनम कैसे हो आप? गुंजन वेलकम है। चलिए तो आप लोग जुड़ चुके हो, दोस्तों को भी बता दो भाई क्लास स्टार्ट हो गई, एक बार जरा बता दो उनको, मैं भी एक बार कह दे रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा क्लास में। ठीक है, मैं भी कह देता हूं। ठीक है, बताना पड़ता है एक बार की क्लास स्टार्ट हो गई, आ जाओ भाई, तभी वो लोग जाग पाते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम रहती है। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और धन्यवाद जिन लोगों ने भी लाइक किया है, और चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग लेकर चलेंगे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2021 का पेपर। ठीक है, तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स जो 2021 का मेमोरी बेस्ड पेपर है, आज हम वो करने की कोशिश करेंगे और वहां से कुछ चीजें सीखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सभी का बहुत बहुत वेलकम है, जिन लोगों ने भी लाइक किया है धन्यवाद, और क्लास के साथ जुड़ जाओ। देखिए मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने यहाँ पर 23 लगभग 23 क्लासेस की थी मेंस की, और उन 23 क्लासेस में मैंने बताया था आपको कि क्या क्या आना है। प्रीलिम्स की भी मैंने प्रैक्टिस कराई थी, पीओ प्रीलिम्स, क्लर्क प्रीलिम्स, इन सब की प्रैक्टिस कराई थी, और सब वही आया था जो बढ़ाकर भेजा था, आपको पता है। इवन मेंस में भी कोडेड इनइक्वालिटी लगातार किया था हमने, कोडेड ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस का, कोडेड सिलॉगिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट और डेटा सफिशिएंसी, ये चैप्टर हमने लगातार प्रैक्टिस की थी। हिमांशु तोड़ी जी नमस्कार, सविता वेलकम है, गुड इवनिंग जी, आप आ गए, धन्यवाद आपका। चलिए तो यहां से क्लास स्टार्ट करते हैं, और बाकी जो चैप्टर रह गए उनकी भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स। हम लोग आपका टाइम बचाने की कोशिश करेंगे, पूरा पेपर करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन हम साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन छोटे होंगे उनमें साथ साथ कर लेंगे, उनमें क्लॉक चलाने की जरूरत नहीं है, एग्री? चलिए तो इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे हम लोग अब, और देखते हैं इनको कैसे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए जरा फटाफट साथ साथ में कीजिएगा क्या आ रहा है आंसर, और देखते हैं। लिखा है ओनली रेडिएटर इज इंजन, सिर्फ रेडिएटर ही इंजन है, ओनली फ्यू का मतलब होता है, आप सभी को पता है, सम के साथ साथ सम नॉट, दोनों केसेस को रिप्रेजेंट करता है, ओनली फ्यू रेडिएटर आर इंजन, तो कुछ है और कुछ नहीं भी है, इन दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। सम इंजन इस बैटरी, कुछ इंजन बैटरी है, तो ये इस तरह से बन जाएगा, और आगे लिखा ऑल बैटरी इज कंप्रेसर, सारी बैटरी जो है वो कंप्रेसर है, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। और आंसर, अरे नहीं हिमांशु तोड़ी, कोई बात नहीं, क्षमा प्रार्थी होने की जरूरत नहीं, ये भी वेलकम है, ये भी काफी दिनों बाद नजर आयो, आपने टाइम निकाला उसके लिए, अच्छी बात है, आ जाओ भाई। अब जरा हम लोगों ने भी कल से स्टार्ट किया, अब रेगुलर क्लासेस चलेंगे। ठीक है, क्लासेस अब रेगुलर चलेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब यहां पर देखते हैं
नो बैटरी इज रेडिएटर, उन्होंने कहा है नो, नो के लिए 100% नेगेटिव होना चाहिए, बैटरी और रेडिएटर में कोई नेगेटिव नहीं है, तो आप इस चीज को सही नहीं कह सकते, आप कहोगे कंफर्मेशन नहीं है, मींस कांट से। नेक्स्ट लिखा है सम कंप्रेसर कैन बी रेडिएटर। लाइफ में हमेशा आपको पता है कौन सी चीजें रोकती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, सभी को पता है नेगेटिव रोकती हैं। अब यहां से देखिए कंप्रेसर और रेडिएटर में कोई नेगेटिव नहीं है, देन ईच एंड एवरीथिंग विल बी पॉसिबल, ओनली सेकेंड फॉलोज, सेकेंड फॉलोज, यहां से आंसर आ जाएगा आपका यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मैं क्लास लेता हूँ, 6-7 दिन मेरी तबीयत खराब थी इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, हाँ तो मैं इस तक क्लास ली थी ना लगभग 20 तक, फिर मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी तो क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, चलो देखो, ओनली फ्यू ब्रेक्स आर एक्सेल, सिर्फ कुछ ब्रेक्स एक्सेल है, अभी बहुत क्लासेस आने वाली है, परेशान ना हो, सिर्फ कुछ है तो कुछ नहीं भी है, सम प्लस सम नॉट, ऑल एक्सेल आर पोजीशन, तो यहां पर यह आ जाएगा पोजीशन, यहां पर इस तरह से आ जाएगा, और नो पिस्टन इज क्लस्ट, कोई पिस्टन क्लस्ट नहीं है, पिस्टन है, सॉरी पिस्टन, ये पोजीशन नहीं है, मैंने गलत पढ़ लिया, पिस्टन, नो पिस्टन इज क्लस्ट, जहां जहां पिस्टन होगा वहां वहां क्लच नहीं होगा। अब जिस जिसमें नेगेटिव है उसको इस तरह से कर दिया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं बेटर कर दूं, वरना किसी को भी डाउट हो सकता है इसमें, एक मिनट रुकिएगा, ये इस तरह से है और ये नेगेटिव इससे है और ये नेगेटिव पूरे से है। चलिए बहुत बढ़िया, मैं ये भी अब बेटर हूं, थोड़ी आवाज देखो अभी भी आपको थोड़ी चेंज लग रही है, मेरा साउंड थोड़ा चेंज लग रहा है ना, तो वही प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, थोड़ा सा सर्दी थी, अब फीवर भी था, मुझे नहीं पता हो सकता है ओमिक्रॉन हो। चलो देखो क्या लिखा है यहां पर, नो क्लच इज एक्शन, यहां पर देखो क्लच कहां पर है, ये है और एक्सेल ये है, 100% नेगेटिव है, पहला वाला बिल्कुल ट्रू है, फर्स्ट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, नो के लिए 100% नेगेटिव होना चाहिए ना, नो के लिए 100% नेगेटिव, तो 100% नेगेटिव है। सम ब्रेक्स कैन बी पोजिशन पिस्टन ब्रेक्स, यहां पर देखो ये ब्रेक्स और ये पिस्टन है, तो कैन बी है, कैन बी, ये तो सही है ना, ब्रेक पिस्टन है या हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल अच्छा। हिमांशी थोड़ी जी, चलो आवाज बुलंद रखनी पड़ती है, ठीक है, आवाज बुलंद रखनी पड़ती है, आवाज जो है वो कोशिश करनी पड़ती है आप लोगों को जो है वो लगे कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो यहां पर देखो कैन बी के केस में गलत हो जाएगा, ओनली वन सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ओनली वन फॉलो, ए ऑप्शन विल बी आंसर। जरा इसको फटाफट कर दो, अब देखते हैं क्या कहते हैं, देखो फटाफट, चलिए वो आप लोगों की एनर्जी है, आप लोगों को देखकर मैं ठीक हो जाता हूं। अब थोड़ा सा देखिए अब क्या लिखा है यहां पर, ओनली फ्यू, ओनली फ्यू मतलब सम प्लस सम नॉट, ओनली फ्यू सील आर एंजल फिश, ओनली फ्यू सम प्लस सम नॉट, ये बन जाएगा नो एंजल फिश इज स्टिंगरी स्टिंगरे, तो यहां पर आ जाएगा ये स्टिंगरे आ जाएगा, नो स्टिंगरे इज स्टारफिश, कोई स्टिंगरे जो है वो स्टारफिश नहीं है, ये बन जाएगा। अब यहां पर इसमें दो तीन चीजें जुड़ी हैं, तो इसका नेगेटिव इससे साफ साफ नजर आ रहा है, बाकी आपको चीजें पता है जी, ये प्यार ही तो है जी, ये प्यार ही तो है, सही बात है आपकी हिमांशी थोड़ी जी, आप जो है थोड़ी पोएट्री किया करो, अच्छी बातें करते हो आप, मतलब मन को लुभाने वाली बातें करते हो आप, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा है यहां पर, सम एंजल फिश आर स्टार फिश इज अ पॉसिबिलिटी, अब देखिए एंजल फिश यहां है, स्टार फिश यहां है, अब मुझे बताइए लाइफ में पॉजिटिव चीजें रोकती हैं या नेगेटिव, लाइफ में हमेशा नेगेटिव चीजें रोकती हैं, तो यहां पर ये एंजल फिश और स्टार फिश में कोई नेगेटिव नहीं है, देन ईच एंड एवरीथिंग विल बी पॉसिबल यहां पर, ठीक है। आगे देखिए, ऑल सील कैन बी स्टिंगरे, अब यहां पर देखिए सील ये है, स्टिंगरे यहां पर है, कि सारी सील स्टिंगरे हो पाएंगी, पॉसिबल नहीं है, ओनली वन, चलो ओनली वन पॉसिबल है, तो पहला वाला ट्रू हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा प्यारे लोगों, जरा फटाफट देखते हैं कितनी जल्दी आप इसका आंसर देते हो, यहां पर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या लिखा है, फटाफट देखते हैं। धन्यवाद,
और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो, आपका अपना चैनल है तो इसके साथ जरूर जुड़े रहो, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी मैं प्रैक्टिस पूरी कराते चलूंगा, बेंस प्रिलिम्स वो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओनली फ्यू डॉल्फिन आर, तो ये डॉल्फिन है, ओनली फ्यू मतलब सम प्लस सम नॉट, तो क्लाउन फिश आ जाएगी यहां पर, ये आ जाएगा। आगे लिखा है ऑल क्लाउन फिश इज टर्टल, सारी क्लाउन फिश टर्टल है, यहां पर ये इस तरह से आ जाएगा। आगे देखिए ओनली टर्टल इज क्रैब, सिर्फ टर्टल ही क्रैब है, इसका मतलब ऑल क्रैब आर टर्टल, क्या क्रैब से कोई और जुड़ेगा? पॉसिबल ही नहीं है, इससे नेगेटिव हो जाएगा। इसका जो वेन डायग्राम बनता है वो बनता है ऑल उल्टा रिवर्स में, ऑल ये पहले आ जाता है, क्रैब आर टर्टल, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाता है और इसके साथ नो जुड़ जाता है, ठीक है। सिर्फ टर्टल ही क्रैब है और कोई क्रैब नहीं हो सकता, तो इसके साथ कांटे जुड़ गए, ये किसी और से नहीं जुड़ेगा। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आ गई, आंसर बताइए। कौन है वो? अच्छा शायरी का राज, अब सुनाते तो हो गए, धीरे धीरे करके आ जाती है, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से देख लो, अब यहां देखो सम क्रैब आर डॉल्फिन, अब यहां से देखिए जरा, क्रैब क्या कुछ हो पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला तो रॉन्ग है। आगे देखिए ऑल टर्टल कैन बी डॉल्फिन, अब देखिए ये क्रैब वाला जा ही नहीं सकता, तो ऑल नहीं जा पाएगा क्योंकि सिर्फ टर्टल ही क्रैब है और कोई नहीं हो सकता, तो यहां पर आंसर आ जाएगा नाइदर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी यहां पर, तो ये नाइदर आंसर हो जाएगा। अब जरा इस क्वेश्चन को जरा बनाने की कोशिश करो फटाफट, और फिर आपका जो है हम यहां पर टैलेंट देखते हैं क्या है। फटाफट इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, टाइम स्टार्ट होता है आपका अब ना, जल्दी से इसको फटाफट। अरे क्या बातें कर रहे हो स्वागता, सर एक्सपीरियंस्ड है, चलो ठीक है, आदमी एक्सपीरियंस नहीं होता, उम्र होती है, तो जैसे जैसे उम्र होती रहती है आपको एक्सपीरियंस होते रहते हैं। अब आप इस बारे में ज्यादा डिस्कशन ना करें, पढ़ाई स्टार्ट करें, ठीक है। बेरोजगारी का भी एक्सपीरियंस हो रहा होगा अब काफी लोगों को, ठीक है, तो बेरोजगारी जो है वो उम्र है ऐसे मान के चलिए आप, ठीक है, इस पे तो पोएट्री बन जाएगी, है ना, कि बेरोजगारी एक उम्र है। चलो अब जल्दी से इसको करो, जिसका सभी को मतलब एक बार फीलिंग जरूर आती है। चलो अब जल्दी से इसको करो, हिमांशु अब मैं क्या कहूँ, अब इसमें सबके अपने अपने तजुर्बे हैं, ये भी तुम्हारा अपना तजुर्बा होगा कि तुम्हें तुम्हारे जो तजुर्बे हैं वो उम्र से संबंधित नहीं रहे होंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं जो घर वाले कहते हैं ना कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें पता लगेगा, तो ये माना जाता है कि तजुर्बे का जो है एक उम्र से संबंध माना जाता है, ठीक है, हाँ, तो ऐसा माना जाता है, सभी लोग मानते हैं कि एक उम्र में आपको सारे तजुर्बे होने, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं तो मैं बताने की कोशिश भी नहीं करूंगा, टाइम भी हो गया, कर लिया, सिर्फ स्वागता ने बोला है, राजेश सर ने बोला है, ईबी ने बोला है, ठीक है, आप पढ़ लो जल्दी से और बोलो भाई जल्दी से डन बोलो इसको,
लिखा एफ टुवर्ड्स जो है वो किधर जा रहा है, साउथ की तरफ, यहां से देख लो आप, एफ से जा रहा है साउथ की तरफ, यहां से बी पर पहुंचता है, लेफ्ट टर्न लेता है, 12 किलोमीटर जाता है, एच पे पहुंचता है, टेक अ राइट टर्न, राइट टर्न लेता है, 8 जाता है, आर पे पहुंचता है, ऐसे ही कुछ बनेगा। कर लिया ये बताओ, डन गुंजन, डन नंदी, डन ईवी, डन। तो मैं इसका आंसर दिखा रहा हूं आपको, उससे पहले आप मुझे आंसर बता दीजिए, यहां पर ऐसा कुछ बना है, इसका नहीं बना है बना लो, ठीक है, टाइम तो हो गया काफी, जरा देखो ऐसा कुछ बन रहा है। फिर मैं आंसर बताने की कोशिश करूंगा। नयन, नयन मैं ठीक हूं, आप कैसे हो नयन, ये बताओ। नयन मैं ठीक हूं, पहले से बेटर हूं, तभी अब क्लासेस में है हम लोग। अब जरा इसको बताओ, डन, सेम है, सिमिलर है। अब देखते हैं हम जरा पहला क्वेश्चन, उन्होंने पूछा है विच डायरेक्शन बी विद रिस्पेक्ट टू वाई, वी कहां नजर आ रहा है वाई से देखने पर, आप कैसे हो नयन, बी कहां नजर आता है वाई से देखने पर। अब देखिए जरा, बी वाई से देखने पर कहां नजर आता है, ये टोटल 8 है, ये 5 2 7 है, तो वाई से देखने पर ये नॉर्थ ईस्ट में नजर आएगा। आई होप आपको आंसर नजर आ रहा होगा यहां पर, तो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा होगा, ठीक है। तो पहले वाले का देखा जाए नॉर्थ ईस्ट है। इफ एम इज इन मिड पॉइंट ऑफ बी एंड एच, देन व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एम एंड जे। अब उन्होंने यहां पर बताया है कि एम इज इन मिड पॉइंट बी एंड एच, तो एम और जे के बीच में मिनिमम डिस्टेंस पूछी है उन्होंने, तो यहां पर देखिए बी और एच के बीच में एम जो है मिड पॉइंट है, बी और एच के बीच में एम जो है वो मिड पॉइंट है, तो यहां पर ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, एम और जे के बीच की डिस्टेंस पूछी है यहां पर, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो यहां पर ये कितनी आ जाएगी टोटल, यहां पर आपको नजर आ रहा है ये इसके पैरेलल है तो नजर आ रहा होगा कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, डन, बहुत बढ़िया। उन्होंने पूछा है व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन के एंड एफ, के और एफ के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए, जल्दी से बताओ प्यारे लोगों, जल्दी से। नयन ठीक हो तुम, चलो जल्दी से बताओ। यहां पर उन्होंने पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन के एंड एफ, तो के और एफ के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी है, तो ये आप निकाल सकते हैं यहां से, ये कैसे जोड़ देंगे, तो देखिए यहां से आप ये इसको ऐसे जोड़ देंगे, बाकी ऐसे और ये ऐसे निकाल लोगे, तो यहां पर ये आपका टोटल कितना है, ये 5, ये 2 7 और ये 1 बचेगा, 3 1 4, ये वाली डिस्टेंस निकाल लोगे, यहां से ये कितनी है 12 है, तो यहां तक ये 12 हो गई, ये कितनी बचती है 8 और 6 14, तो ये आ जाएगा 4, नहीं सॉरी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो k और f स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत से पढ़ना, और नयन आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छा करो, ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो यहां से ये आ जाएगा आपका 16 + 4, ये आ जाएगा 20, ये के एफ आ जाएगा √20, बाकी आप यहां से देख सकते हो यही रहेगा, ठीक है, बाकी 2√5 लिख सकते हो इसको मल्टीप्लाई करके, आप चाहो तो लिख सकते हो रूट में 4 5, तो यहां से आ जाएगा 2√5, ऑप्शन में अगर है तो लगा दो, अदरवाइज वही आंसर डी ऑप्शन विल बी आंसर। समझ में आ गया भाई, बात समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे, आपकी पजल है नेक्स्ट, इसका आंसर दीजिए जरा। टाइम स्टार्ट हो गया, आंसर दीजिएगा बेटा जल्दी से, प्यारे लोगों जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट।
नयन, स्वागता, हिमांशु, नंदनी, अर्चिता, ईवी, गुंजन, सविता, मृण्मोय, कहाँ गए? मृण्मोय, नंदिनी, चलिए आंसर दीजिए फटाफट सारे लोग। नयन, मैं भी वही आप लोगों को मिस करता हूँ। तभी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मुझे लगता था कि आप लोगों की क्लास हो, और अगर कभी तुम्हें लगे कि हाँ कॉल करना है तो कॉल कर लेना भाई, बात करेंगे अपने लोग, ठीक है? और थैंक यू नैन, मैं भी मिस करता हूँ। चलिए जल्दी से करिए इसको। बाकी आप मेहनत से पढ़ो, अच्छी सी खबर सुनाओ एग्जाम के बाद में, ठीक है? अरे सर, उमंग सर, नमस्कार आपको। बच्चे आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन आपके पास टाइम की बड़ी कमी है। नहीं, किसने बता दिया तुम्हें? मृण्मोय, कभी पढ़ना मत वो मेथड, ठीक है? फालतू मेथड है, पता नहीं क्या पढ़ते रहते हो। सर, बच्चे आपकी क्लास को बहुत मिस करते हैं उमंग सर। ऑर्गेनिक में नयन, मेरे से बात कर लेना, ठीक है? कल तुम और मैं जो है तुम्हारी अपने भैया से बात करा दूंगा, अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार उनसे आइडिया ले लेना, ठीक है? ठीक है, जल्दी से डन बोलो। कितने लोगों ने बोला है इसको डन? 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया है मैंने, ठीक है? कल बात कर लेना नयन मेरे से। दो मिनट और है, जल्दी से डन बोलो। कोई किसके? नंदिनी ने डन बोल दिया, ईवी ने डन बोल दिया, स्वागता ने डन बोल दिया, तुम लोगों को बातें ही नहीं चल रही हैं। अच्छा उमंग सर, राजेश तब ने भी कर लिया। एक बार चेक कर लो जो जो लोग कर चुके हैं, और लाइक जरूर कर दो सेशन को, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है? और थोड़ा सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इंग्लिश में लिख दिया करो, हम समझ लेते हैं इंग्लिश। तो डन बोला या नहीं बच्चों? जल्दी से बोलो इसको डन। अब आप चलिए, तो आपने ये कर लिया, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सा बता दूं आपको,
फिर मैं इसको बता दे रहा हूं क्या करना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन था बहुत सिंपल था, आपको पता है यहां पर इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं। मैं बस बेस बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन की स्टार्ट कैसे थी, पॉसिबिलिटी क्या थी वो बताते हुए चलूंगा, ठीक है। यहां पर तरीका बताते हुए चलूंगा, आगे आप कैसे कर सकते थे वो आपको अपने आप नजर आ जाएगा। यहां पर देखिए उन्होंने बताया है जैन है, ठीक है, फिर मई है, फिर अगस्त है, फिर अक्टूबर है और फिर दिसंबर है। देखो लैंग्वेज में क्या होता है, आजकल जो क्वेश्चन आने लगे है ना वो क्वेश्चन है तो पुराने ही जैसे, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी अलग तरह की आने लगी है, जो लैंग्वेज अगर आपने थोड़ी सी भी नजर बचाई तो आप वहां फंस सकते हो। तो यही होता है क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी है कि आपकी अगर थोड़ी सी भी नजर बची तो क्वेश्चन आपको फंसा ले जाएगा। दो तीन लैंग्वेज ऐसी है इस क्वेश्चन में जो आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होंगी जब आप कर रहे होंगे या आपने ठीक से नहीं पढ़ा, इसलिए क्वेश्चन की रीडिंग बहुत अच्छी करो। आप लोग ध्यान रखो जब एग्जाम देने जा रहे हो ना तो क्वेश्चन की रीडिंग बहुत अच्छी करने की कोशिश करो। यहां पर चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे डील करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए तो सबसे पहले यहां पर देखिए क्या लिखा है, यहां पर टी जो है वो थ्री पर्सन बिफोर एन है। अगर थ्री पर्सन है तो बिटवीन में कितने, जल्दी बताओ, अगर थ्री पर्सन है तो बिटवीन में कितने, बिटवीन में दो होंगे ना, तो टी और एन के बीच में दो हो गए। और आगे लिखा है यू आफ्टर एन है, और आगे एक और लिखा है यू, और यहां पर लिखा है एन जो है वो आफ्टर अगस्त है। अब जरा ध्यान से देखो इस वाली बात को, अगर आफ्टर अगस्त है तो आफ्टर अगस्त का मतलब एक दो तीन चार पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन टी के बाद में एन है, बीच में दो है और इसके बाद में यू है, तो ये चौथी पॉसिबिलिटी चली जाती है। यहां पर मुझे बताइएगा, यहां पर एन की एक पॉसिबिलिटी अगर हम ध्यान से देखें, एन की दूसरी पॉसिबिलिटी ध्यान से देखें, एन की तीसरी पॉसिबिलिटी ध्यान से देखें, और एन के जस्ट नीचे यू है, एन के जस्ट नीचे यू है, एन के जस्ट नीचे यू है, और उन्होंने कहा है यहां पर थ्री पर्सन बिफोर है तो बीच में दो होंगे, बीच में दो होंगे और बीच में दो होंगे। बताओ इस तरह से अरेंजमेंट बनेगा या नहीं, जल्दी बताइए। ईबी राय सॉल्यूशन की तरफ ही बढ़ रहे हैं, ये बताइए ये तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी या नहीं, बच्चों जल्दी बताओ ये तीन पॉसिबिलिटी बनेंगे या नहीं। हिमांशु तोड़ी बहुत अच्छा करोगे आप, जरा ध्यान से देखिए। अब इसके बाद बाकी आप आराम से कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपके पास सारी पॉसिबिलिटी आप कर सकते हो, ठीक है। यहां पर तो ये तीन पॉसिबिलिटी से कर सकते हो, मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ आपको दिखा दे रहा हूं अब इसका, ठीक है। यहां पर बाकी अब आपको आना चाहिए यहां पर, ठीक है। पहले बताओ यहां तक ये अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है। देखो हो सकता है, मैं मान ले रहा हूं हो सकता है एक दो बच्चे को दिक्कत हो सलूशन में, लेकिन बच्चों यकीन मानो अगर आप क्वेश्चन को करने का तरीका नहीं सीखने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन को करने की कोशिश नहीं करोगे तो एग्जाम में कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वहां पर, ठीक है, कि क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, ठीक है। यहां पर चलिए तो आई होप आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, डन, सेम है ना। आंसर बताओ, बहुत बढ़िया, यही बना है तो यही सही है। आपका दिमाग आउट क्या हुआ, स्वागता, उन्होंने कहा है थ्री पर्सन बिफोर, तो थ्री पर्सन बिफोर है तो बीच में दो ही तो होते हैं, थ्री पर्सन बिलो तो बीच में दो ही तो होते हैं, ये बात नहीं बताइए आपको, बहुत टाइम से बताइए, ठीक है। चलिए भाई अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, आपके दोस्त अगर तैयारी कर रहे हैं पढ़ रहे हैं तो उनको इस चैनल के बारे में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। यह आपका अपना चैनल है तो इसके साथ जुड़े रहे। जल्दी से कीजिए इसको, Thank you.
इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया? उन्होंने यहां पर बताया है बाएं छोर से तीसरे, थर्ड सिक्स सेवन फोर्थ सिक्स एट लेटर, तो यहां पर थर्ड सिक्स फोर्थ एंड एट लेटर, वी बन रहा है, आई बन रहा है, एच बन रहा है और ई बन रहा है, यही है, चार लेटर बोले, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है लास्ट लेटर, तो ये हाइप बन रहा है ना, हाइप बन रहा है, ठीक है, ई विल बी आंसर, ठीक है, तो हाइप बन जाएगा, ठीक है, हाइप बन जाएगा, आपको यहां से दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जरा बताना अब इसका, इसमें कितने पेयर बन रहे हैं बच्चों, आंसर बताओ जल्दी से। जी 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 जी, हाय, वही होता है। बच्चों लाइक करके चले जाते हो आप लोग, आके पढ़ लिया करो थोड़ा, है ना, आपका अपना चैनल है, थोड़ी देर पढ़ने की कोशिश किया करो। गुंजन का आंसर थ्री आया क्या? गुंजन का आंसर सही है बच्चों। एक एक क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो रहा है तो आपके मन में जो है एक रीजन होना चाहिए क्यों गलत हुआ, आपको वो सही करने की कोशिश करनी है, ध्यान रखें। बी ऑप्शन आ रहा है किसी का, तो 8134 6528, ठीक है, तो यहां पर पेयर ही तो ढूंढने हैं, पेयर ढूंढने के लिए एट से इधर जाने की जरूरत नहीं, वन से इधर नहीं जाओगे, वन टू थ्री फोर फाइव एक बन गया, यहां पर सिक्स सेवन नहीं बन रहा है, थ्री फोर नहीं बन रहा है, थ्री फोर एक बन गया, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एक और बन गया, थ्री से बन रहा है तो एट से भी बनेगा, यहां पर देखो फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सिक्स सेवन एट नहीं बना, सिक्स से इधर नहीं बनेगा, सिक्स सेवन एट नहीं बना, फाइव सिक्स, फाइव से सिक्स बन जाएगा, एक फाइव से सिक्स बन रहा है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहां पर ये बन जाएगा एक, बिल्कुल ऐसी बातें करते हो बेवकूफ जैसी, एक दो तीन चार पांच छह आंसर आ जाएगा ई। तुम लोगों को पेयर निकालने नहीं आते, रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो, पीओ की तैयारी कर रहे हो, कौन सी दुनिया में रह रहे हो तुम लोग। आगे बढ़ते हैं, चलो अब जरा इसको करने की कोशिश करो, पता नहीं क्या करते रहते हो। चलो जल्दी से करो इसको, चलिए तो आपके लिए टाइम यहां पर आ गया है, अब इसको जरा जल्दी से करो। जल्दी से कीजिए इसको, ध्यान रखिएगा मैं सिटिंग पजल
आपको हिंट जरूर देता रह रहा हूं कि आप इस तरह से स्टार्ट करके आगे बढ़ सकते हो। आप करने की कोशिश जरूर करना, अगर मैं आपको क्वेश्चन कोई ना कराऊं, परेशान नहीं होना। कल आप कितने बजे कॉल करूं? अच्छा, ये भी नेट खत्म। चलो, आप किसी से उधार मांग सकते तो मांग लो। नयन, कल तो मुझे कॉल करना 5 बजे के बाद, शाम को, इवनिंग में, 5 PM, आफ्टर 5 PM, ठीक है? फिर मैं भैया से बात करा दूंगा, तुम उनसे बात कर लेना, ठीक है? उनका केमिस्ट्री में ही स्पेशलिस्ट है वो, ठीक है? तो पता ही होगा तुम्हें। ठीक है, केमिस्ट्री से PhD है उनका, तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगा। चलो, डन। स्वागता ने डन बोला, बाकी क्या कर रहे हो? पॉसिबिलिटी तो दो बन रही है, एक में तो अगर आपने कर लिया है तो आपने गलती की है। पॉसिबिलिटी तो दो है, अगर आपने एक में किया है, ठीक है, तो आपने कुछ स्किप किया है, बनेगी तो दो। चलो बच्चों, और किसी का हुआ ये? अच्छा, लॉजिक लिंक किया था। ओके, एक मिनट और दे रहा हूं, क्योंकि और किसी का आंसर नहीं आया। रिप्लाई करो। राजेश सर, स्वागता ने तो दे दिया, ईबी, गुंजन, अर्चिता, नंदिनी ने डन बोला, मृण्मये, कर लिया क्या ये? बस स्वागता ने बोला और नंदिनी ने बोला, क्या इतना टफ था ये क्वेश्चन? पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। चलो देखो, ठीक है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 6 लोग हैं यहां पर, तो दो हमने 4 और 2 6 इस तरह से बना लिए, ठीक है? जल्दी से देखो इसको, 6 लोग हैं, 6 बना लिए, सबका फेस सेंटर है यहां पर। कहां फंस गए इस क्वेश्चन में? अब जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है। सबका फेस सेंटर, आगे लिखा आर इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ चेरी, तो आर सेकेंड लेफ्ट ऑफ चेरी है, तो आर हमने यहां लिख लिया, चेरी हमने यहां लिख लिया। अब आगे क्या लिखा है? 1% बिटवीन चेरी एंड एप्पल, तो अगर यहां ध्यान से देखोगे तो चेरी और एप्पल में 1% है। जितना दिमाग लगाओगे ना उतनी देर में क्वेश्चन आपका हो जाएगा, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आर लिखो यहां पर, चेरी लिखो, ठीक है? आगे जाके नहीं पता आपको दिमाग लगेगा भी नहीं लगेगा, चेरी और एप्पल में, तो एक बार एप्पल इस साइड लिख लिया, एक बार चेरी और एप्पल इस साइड लिख लिया। पहले बताओ ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? प्यारे लोगों, बच्चों जल्दी से रिप्लाई तो कर दो, क्या ये वाली बात समझ में आ गई आपको? यहां पर तो यहां पर उन्होंने कह रखा है, यहां पर 1% बिटवीन, ओनली 1% बिटवीन चेरी एंड एप्पल, चेरी एंड एप्पल, चेरी एंड एप्पल, तो एक बार चेरी के साथ एप्पल इधर आ जाएगा, एक बार चेरी के साथ एप्पल इधर आ जाएगा, केस वन इधर हो गया, केस टू इधर हो गया। अब आगे लिखो क्या लिखा है, पीच थर्ड राइट ऑफ पीच। अब देखो थर्ड राइट का मतलब 6 में अपोजिट होता है, पता है ना? तो पी यहां नहीं आ सकता, पी यहां नहीं आ सकता। अब पी की एक पॉसिबिलिटी है, एक ये है, अब इन दोनों में कहीं आएगा। इसमें देखिए पी यहां नहीं आ सकता,
और इस वाले केस में पी यहां नहीं आ सकता, ये तो केस है आपके, ठीक है, इनको मिटा दे रहा हूं, डाउट क्रिएट हो रहा है। तो यहां पे देखिए पी यहां नहीं आ सकता, थर्ड राइट का मतलब अपोजिट होंगे। अब इस वाले में पी की एक पॉसिबिलिटी है, एक ये है एक ये है। अब आगे देखो क्या लिखा है, पी दो है, पी जो है वो चेरी और एप्पल नहीं है, तो पी यहां पर तो है नहीं। इस वाले केस में भी पी यहां पर नहीं है, पी यहां पर नहीं है, यहां तो पी की सिर्फ एक जगह बची, पी यहां पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा अब आपका, पीज थर्ड राइट ऑफ पीच है, सॉरी, तो यहां पर आ जाएगा पीच, तो पी यहां पर आ गया, यहां पर आ गया पीच। अब यहां पर देखिए पी के बारे में बात कर ले, पी यहां है, यहां जैसे इन्होंने कहा एस इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, अगर पी यहां लिखूंगा तो एस पॉसिबल नहीं होगा, तो पी यहां और एस यहां, पी यहां तो एस यहां, इस तरह से आप कर लोगे या नहीं, बोलो यहां तक सही है या नहीं, कर लोगे इसको, ठीक है। अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है खास, ठीक है, आर और पी के बीच में उतने ही है जितने एस और क्यू में है। अब यहां देखिए आर और पी में एक है, तो एस और क्यू इधर भी हो सकता है, क्यू इधर भी हो सकता है, वेट कर लो, आर और पी में उतने ही है जितने एस और क्यू में है, तो क्यू अपोजिट आ जाएगा। आगे लिखा है टी इज इमीडिएट राइट ऑफ ऑरेंज, अब देखो ऑरेंज यहां तो टी यहां पर, ऑरेंज यहां पर तो टी पॉसिबल नहीं है, तो ऑरेंज यहां रख दो, अच्छा एक और जगह बची है, ऑरेंज यहां तो टी यहां पर, अब इस पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ऑरेंज यहां तो टी पॉसिबल नहीं है, ऑरेंज तो टी नहीं है, ऑरेंज तो टी आ जाएगा, ऑरेंज यहां पर तो टी यहां पर। आगे देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बनाना एंड आर इज सेम एज पी एंड एस, अब देखो पी और एस में कोई नहीं है, तो बनाना और आर में भी कोई नहीं होगा, बनाना यहां तो आर यहां, बनाना यहां तो आर यहां, इस वाले में देखो बनाना और आर यहां पर आ जाएगा। आगे देखते हैं When counted, left of P, तो इसमें जीरो है, इसमें भी जीरो है, तो Q और U मैं वो पसंद नहीं करते हैं। आप जरा ध्यान से देखो, अच्छा S और उसमें जरा ध्यान से देखना, एक कंडीशन कुछ रह गई है क्या बच्चों, इसमें एक कंडीशन रह गई क्या हमारी कुछ, एक मिनट रुकना, पीच हो गया, पीच वाली कंडीशन, पीच थर्ड राइट ऑफ पीच, अच्छा यहाँ पीच रह गया था, पीच लिखना रह गया, तो यहां बनाना आ जाएगा, वही मैं कह रहा था, एक रह गया, देखो पीच आ जाएगा, बनाना आ जाएगा, इसमें टी आ गया, टी और ऑरेंज आ गया, यहां पर अब यहां पर क्या बचता है अब आपका, उन्होंने कहा क्यू और यू मैं को पसंद नहीं करते हैं, यहां देखो ये बची है और यहां यू बचा है, दोनों ही मैं को पसंद नहीं करते, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर अब ध्यान से देखो, यहां पर मैगो, यहां पर या यहां पर मैगो आ जाएगा, अब यहां पर उन्होंने क्या कहा है, टी 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 आपका यही आ सकता है, टी यहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ऑरेंज, ठीक है, और यहां पर मैगो आ जाएगा, आ जाएगा और यहां पर यू आ जाएगा, डन, ठीक है, चलो चलो बच्चों यहां से देखो, ये सही है, यहां पर जल्दी से बताओ ये सही है, सही है या नहीं प्यारे लोगों, सुन पा रहे हैं मेरे को, स्वागता नंदिनी, राजेश्वर, अर्चिता, मृणमोय, हिमांशु तोड़ी, जल्दी से बताइए सही है। चलिए तो आई होप आपको ये अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा, अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पूरा पेपर करने की आदत बना लो, ये एग्जाम में बहुत काम आएगी। चलिए कीजिए जरा जल्दी से फटाफट, इस क्वेश्चन को करके बताइए, फटाफट इस क्वेश्चन को करके बताइए जल्दी से, और इसके बाद आएगा है एक क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद है, ठीक है हिमांशु तोड़ी जी, पहले इसको करो, इसके बाद है।
नींद आ गई, देखो आधे लोग सो गए। हाँ अभी तक किसी ने नहीं बोला है डन, नंदिनी ने बोला है डन, नंदिनी ने डन बोला है, स्वागता ने डन बोला है, 1 मिनट मैंने फिर से दे दिया है। स्वागता ने डन बोला, नंदिनी ने डन बोला, बाकी लोग क्या कर रहे हो? राजेश सर ने डन बोला है, बहुत बढ़िया। नंदिनी, स्वागता, राजेश सर, बहुत बढ़िया। और कोई, और किसने डन बोला? अर्चिता ने डन बोला है। चलो ये 1 मिनट और है। हिमांशु तोड़ी, देखो क्वेश्चन में वैसे कुछ था नहीं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी चीजें बता दे रहा हूं आपको। इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका पता है, पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती है यहां पर। तो 1 2 3 4 5 और 1 6, यहां पर 1 2 3 4 5 और 1 6, ये लेफ्ट हो जाता है और ये राइट हो जाता है, ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, ध्यान रखें, दो पॉसिबिलिटी तो हर एक क्वेश्चन में बनती है। ठीक है, इसमें हो सकता है आपका 3 पॉसिबिलिटी बन जाए,
मेंस तक का क्वेश्चन तीन पॉसिबिलिटी में निपट सकता है अगर आपको थोड़ा सा कुछ आता है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो। ये बात ध्यान रखें जो मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, मेरी कोशिश ये रहती है। देखिए मान लो क्या हुआ, एग्जाम में आपके चार क्वेश्चन आए, आजकल क्वेश्चन ऐसे आने लगे हैं कि लास्ट में जाके गलत होते हैं, ठीक है। तो आप स्टार्ट से ही अगर तुक्का लेकर चलोगे, अंदाजा लेकर चलोगे, तो कोई भी कंडीशन छूटी ना तो पूरा टाइम खराब होगा, पूरा पेपर खराब। पॉसिबिलिटी लेकर चलोगे तो कुछ खराब नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको कोशिश करता हूं कि आपको लगातार सही रास्ता बताया जाए, सही तरीका बताया जाए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर उन्होंने बताया एबीसीडी जो है वो साउथ की तरफ देख रहे हैं, वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे यहां पर, और एबीसीडी ऊपर वाले में आ जाएंगे और पीक्यूआरएस नीचे वाले में आ जाएंगे। अब देखिए उन्होंने क्या लिखा है यहां पर, आर इज थर्ड लेफ्ट ऑफ टी, तो आर थर्ड लेफ्ट में आ रहा है और एटलीस्ट वन पर्सन राइट ऑफ टी। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आर यहां रखोगे तो टी यहां आ जाएगा, आर यहां रखोगे तो टी यहां आ जाएगा, और टी के राइट में एटलीस्ट वन पर्सन है तो यहां पर टी और आगे नहीं जा सकता, तो आर यहां पर आ जाएगा एक पॉसिबिलिटी, तो टी यहां पर आएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी आर यहां आ जाएगा तो टी यहां आ जाएगा। मुझे बताइए ये वाली बात समझ में आ गई, यही पॉसिबिलिटी तो बनेगी, आर यहां तो टी यहां, आर यहां तो टी यहां। आगे देखिए क्या लिखा है, उन्होंने पूछा है द वन हु सिट्स अपोजिट टू आर सेकंड राइट ऑफ ई, अपोजिट टू आर होगा सेकंड राइट ऑफ ई हो जाएगा, ऊपर वाले में राइट ये हो जाएगा, तो अपोजिट टू आर ये है और ये सेकंड राइट ऑफ ई आ गया, ये यहां पर आ गया, अपोजिट टू आर जो है वो सेकंड राइट ऑफ ई हो जाएगा। तो इस तरह से बना लोगे आप इसको। उन्होंने वो आगे कहा ओनली वन पर्सन बिटवीन ई एंड सी, अब देखिए ई यहां पर तो सी की पॉसिबिलिटी एक ही है, सी की पॉसिबिलिटी एक ही है, ई यहां पर तो यहां पर या यहां पर, अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उन्होंने कहा द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स लेफ्ट ऑफ सी इज सेम एज राइट ऑफ बी, अब लेफ्ट ऑफ सी अगर एक्स है तो राइट ऑफ बी भी एक्स है, इस बात को भी आप नोट कर लो, बस ध्यान रखो चीजें आगे पढ़ते रहो। आगे क्या लिखा है, ए सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, अब जरा ध्यान से देखिए, लेफ्ट ऑफ सी अगर सेम है, इस कंडीशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, एक के लेफ्ट उतने हैं दूसरे के राइट उतने ही हैं, एक के ऊपर उतने हैं दूसरे के नीचे उतने हैं, इस तरह की कंडीशन में दोनों की पोजीशन सेम रहती है। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि सी के लेफ्ट में उतने जितने राइट ऑफ बी है। अब जरा ध्यान से देखो, अब यहां से अगर आप सी यहां आएगा तो बी यहां आएगा, लेकिन क्या ए के लेफ्ट में बी हो पाएगा, तो B अगर मैं इस साइड लिखूंगा तो कभी भी लेफ्ट में पॉसिबल नहीं होगा, इसका मतलब C मुझे इस तरफ रखना पड़ेगा, और C जब दूसरा आएगा तो B भी दूसरा आएगा, और उन्होंने कहा A सेकंड लेफ्ट ऑफ B, इस वाले केस में भी अगर मैं C यहां रखूंगा तो B इधर रखना पड़ेगा, फिर यहां पर उसके लेफ्ट में पॉसिबल नहीं होगा, इसका मतलब मुझे C यहां रखना पड़ेगा, B यहां रखना पड़ेगा और A सेकंड लेफ्ट ऑफ B। पहले बताइए ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये चल रही है, एक पॉसिबिलिटी ये चल रही है। आगे उन्होंने यहां पर लिखा है कि एस इज थर्ड राइट ऑफ यू, अब यहां पर देखिए अभी कई कंडीशन बन सकती है, यू तो एस आ जाएगा, यू तो एस आ जाएगा, और यू और पी जो है वो अपोजिट टू बी नहीं है तो यहां नहीं आना है, तो यू यहां आ जाएगा और एस इज थर्ड राइट ऑफ यू आ जाएगा, और यहां नहीं आना है तो यहां पर लिख ले रहे हैं एस इज थर्ड राइट ऑफ यू, यू यहां आ जाएगा और एस यहां आ जाएगा। आगे देखिए एफ इज सेकंड राइट ऑफ डी, एफ इज सेकंड राइट ऑफ डी है, हु डज नॉट अपोजिट टू एस है, अब देखिए एफ इज सेकंड राइट ऑफ डी, ऊपर वाले में आ पाएगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं नहीं कुछ गलत पढ़ रहा हूं, एफ सिट राइट ऑफ डी, एफ सिट राइट ऑफ डी है, ठीक है सॉरी, एफ यहां आ जाएगा डी इधर आ जाएगा, एफ यहां आ जाएगा डी इधर आ जाएगा। आगे उन्होंने कहा है हु डज नॉट सिट अपोजिट टू डी एस, तो D अपोजिट टू S है नहीं, इस वाले में D अपोजिट टू S है और इनमें ये गलत हो जाएगा, और यहां पर आपका एक कंडीशन थी, कौन सी कंडीशन थी, U और P अपोजिट टू B नहीं है, P यहां नहीं है तो P यहां पर है और यहां पर Q है, डन, ये वाला अरेंजमेंट बन जाएगा। बच्चों समझ में आ गई बात, ठीक है, तो आपको अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा, यही वाला बन रहा है हमारा, ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट बन जाएगा ये, ठीक है। तो देखो मेरी कोशिश थी मैं आपको पॉसिबिलिटी भी बताऊं, साथ साथ में क्या क्या हो सकता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट बन रहा है, आपने देख लिया होगा, इसको मैच करा लिया होगा। हिमांशु तोड़ी जी आपका क्वेश्चन आ गया मनपसंद, जरा इसको करने की कोशिश करो।
चलिए बहुत बढ़िया। देखो मैं बताऊं, यहाँ लगातार प्रैक्टिस करते रहो, आप एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे, 35 में से 35 लाओगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मेंस में भी मैंने प्रैक्टिस कराई थी, सारे क्वेश्चन वही आए हैं, 9 सेक्शन में से 7 सेक्शन वही थे जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई, ठीक है ना। 9 सेक्शन आए थे, 9 में से 7 सेक्शन वही थे जो हम क्लास में प्रैक्टिस कर रहे थे। कोडेड डायरेक्शन, कोडेड इनइक्वालिटी, ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन, सेटिंग ब्लड रिलेशन, सब कुछ वही आया था। चलो जल्दी से करो आप इसे। मैं टाइम फिर से सेट कर रहा हूं। स्वागता ने डन बोला, बाकी लोग क्या कर रहे हो जल्दी से बोलो। अर्चिता डन, राजेश सर डन, स्वागता डन, बहुत बढ़िया। और यहां से आपको अपनी टाइम लिमिट भी पता लग जाती है, सामने घड़ी चल रही होती है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो 3 मिनट में 2 मिनट में 1 मिनट में वो आपकी आदत भी पड़ जाती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई। हिमांशु तोड़ी डन, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं। पहले उन्होंने पूछा है मदर ऑफ टी, मदर ऑफ टी कौन है जरा बताना जल्दी से फटाफट, मदर ऑफ टी। अगर उन्होंने पूछा है पर्सन मदर ऑफ टी, मदर ऑफ टी क्या हो जाएगा देख लेना इसमें, ठीक है। तो मदर ऑफ टी पी आ रहा होगा। How is L related to R? L का R से क्या संबंध है, उन्होंने पूछा L related to R, ठीक है। तो L का जेंडर तो पता है, ठीक है, यहां पर तो L R के कौन आ जाएंगे देख सकते हो आप, यहां पर L नीज आ जाएंगी, ठीक है ना। K brother of C, अगर K brother of C है तो उन्होंने पूछा K related to G, तो K G का कौन हो जाएगा यहां पर, ब्रदर ऑफ डॉटर इन लॉ, ये वाला आ जाएगा यहां पर, यहां से ये बनेगा, देखो जरा ध्यान से। ये बन रहा है, जल्दी से बताओ ये बन रहा है। चलो बहुत बढ़िया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यही बन रहा है ना, यहां पर ये सिंगल लाइन मान लो इसको इस तरह से। चलिए अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको फटाफट और कर लो, पूरा पेपर करते ही हैं हम लोग, ठीक है। तो टाइम जरूर 2-3 मिनट ओवर हो रहा है, परेशान नहीं होना, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं, पूरा ही पेपर करके जाएंगे, ठीक है। तो इसको जरा कर लो, फिर सो जाना आराम से, 2-3 मिनट में कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है, इसको कर लो। अच्छा ये तो सिंपल है बहुत।
आज के लिए इतना ही। चलो ये लास्ट है, इसको कर लो, सिंपल है ये बहुत, ठीक है इसको कर लो, फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है इसको कर लो बस। जो आप लोगों को जो भी डेटा मिल रहा है यहाँ से, आप प्लीज उसको करते रहो। एग्जाम में अगर 35 में से 35 आपको डुएबल ना लगे तो आप बता देना, आपको 35 में से 35 डुएबल लगेंगे। बस आप यहाँ से जो बताया जा रहा है विद इन टाइम और प्रैक्टिस के साथ करते रहो, आप सब करके आओगे एग्जाम में, ठीक है। तो आप बस विद इन टाइम और प्रैक्टिस के साथ करते रहो, डन। नंदनी डन, स्वागता डन, दो लोगों ने डन बोल दिया, बाकी लोग क्या कर रहे हो? राजेश सर डन। इस तरह का एक क्वेश्चन आता है आप सभी को पता है, ठीक है। अर्चिता डन, गुंजन डन, बहुत बढ़िया। चलो तो इसके आंसर भी आप जरा एक बार बताएंगे, 93 का क्या? हालांकि इसके बाद एक पजल बची थी लेकिन अब वो नहीं हो पाएगी। 93 का ई ऑप्शन था, क्वांटिटी ऑफ वाटर बॉटल बी बॉटल यू, तो क्वांटिटी ए और बी ऑप्शन, मतलब ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, 152-53 हो सकता है। इफ द सम ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर आर एंड पी इज दिस and difference between quantity of water T and U is this, then what is the sum of quantity of water U and P, so U or P, तो 94 का A option आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए इतना, 94 का A option आ जाएगा, देख लेना इसको करके। What is the difference between quantity of water R and T, R और T का difference कितना आ जाएगा, इसका D option दे रखा है यहाँ से यहाँ पर। चलो देखो यहाँ पर, ठीक है ये अरेंजमेंट बनेगा, बाकी आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, एक क्वेश्चन और है इसको जरूर कर लेना, ये मैंने ग्रुप पे भेज दी है पीडीएफ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आज हमने फिर से एक पेपर किया SBI PO Prelims, तो आप बस ऐसे ही चलते रहिए साथ में, आप बहुत अच्छा करेंगे और जुड़े रहिए हमसे, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है ना, अच्छा लगा आज आपसे फिर से मिलकर, अब रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। कल सुबह 12 बजे भी क्लास लाने की कोशिश करेंगे, तो जरूर जुड़े, ठीक है। चलिए थैंक यू, टेक केयर, लव यू सर, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।